Hello students, in last lecture we have been discussed about the various activity of the heart like the heartbeat and other phenomena. So students, last lecture में हमने heart sound के बारे में भी discuss किया था. Heart sound क्या होता है मैंने आपको बताया था कि generally हमारा जो heart होता है वो चार तरह की sound produce करता है, पर बेसिकली जो प्रोडोमिनेंट साउंड होते हैं हमारे हार्ट के वो कितने होते हैं, दो साउंड होते हैं प्रीडोमिनेंटली. अच्छा, ये दो साउंड जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये जो साउंड होते हैं ये एक तो लप्ट साउंड होता है, दूसरा डप साउंड होता है. तो इस तरह से ये दो साउंड हमें हार्ट में सुनाई देते हैं. ठीक है, इन हार्ट साउंड को सुनने के लिए हम कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं, तो हार्ट साउंड को सुनने के लिए हम स्टेटोस्कोप डिवाइस का यूज किया जाता है. इसे एक फेमस जो है डॉक्टर थे जिनका नाम था लैने, इन्होंने इसे इजाद किया था, डेवलप किया था. ठीक है, अब ये हार्ट साउंड जो प्रोडोमिनेंट जो हार्ट साउंड होते हैं जो कि दो होते हैं, टू होते हैं इन नंबर, ये कहां से आते हैं. तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड है जिसे कि हम बेसिकली S1 भी रिप्रेजेंट करते हैं मेडिकल फिजियोलॉजी के अंदर, तो वो साउंड कौन सा होता है, वो साउंड होता है हमारा लप. ये साउंड जो होता है ये AB नोड की क्लोजिंग से प्रोड्यूस होता है, हमने डिस्कस किया था. AB नोड मतलब कि आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड. अब जैसे मान लीजिए ये हमारा ये हार्ट है, हार्ट में ये क्या हो गया, ये दो AB नोड हो गए, इधर राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल. तो यहाँ पे ये जो नोड होगा, ये जो वाल्व होगा, ये कौन सा वाल्व होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व होगा. इधर क्या है, लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में यहाँ पे जो वाल्व होगा ये कौन सा होगा, ये वाल्व होगा हमारा बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व. ठीक है, तो जब भी ये वाल्व बंद होंगे, जब भी ये वाल्व क्लोज होंगे, तो उस समय हमको हार्ट साउंड कौन सा सुनाई देगा, लप सुनाई देगा. ठीक है, तो लप साउंड जो होता है वो इस तरह से प्रोड्यूस होता है. अब उसके बाद जो दूसरा साउंड होता है वो साउंड कौन सा होता है, डप या डप. कुछ बुक्स में DUPP लिखा हुआ है, कुछ बुक में जो है DUBB लिखा हुआ है. ठीक है, तो अननेसेसरी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है. तो दूसरा जो साउंड होता है वो कौन सा होता है, डप. तो ये साउंड क्यों आता है, ये साउंड आता है ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व. अब सेमी ल्यूनर वाल्व कहां प्रेजेंट होते हैं, देखिए स्टूडेंट, सेमी ल्यूनर वाल्व होते हैं हमारे कहां पर, ये देखिए, ये कौन सा, ये हमारा राइट वेंट्रिकल, यहां से ब्लड कहां जाएगा, यहां से ब्लड जाएगा किसमें, सिस्टेमिक सॉरी पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा. और इधर देखिए ये क्या है हमारा, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, एओर्टा में जाएगा. तो जनरली जब भी हमारे वेंट्रिकल कांटेक्ट होते हैं तो इससे प्रेशर किसके ऊपर पड़ता है, सेमी ल्यूनर वाल्व के ऊपर पड़ता है, और सेमी ल्यूनर वाल्व जो कि बंद है, अब जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो ये ऐसे ओपन हो जाएंगे, ओपन हो गए, ब्लड चला गया, और ब्लड जाने के बाद क्या होगा, ये बंद हो गए. ठीक है, अब जैसे ब्लड गया ये बंद हो गए, बंद होते टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो साउंड कौन सा होता है, डप. ठीक, तो डप साउंड जो होता है ये कहां से आता है, ये सेमी ल्यूनर वाल्व की क्लोजिंग से आता है. कहां से आता है, ये सेमी ल्यूनर वाल्व की क्लोजिंग से आता है. तो ये थोड़ा सा याद रखिए. अब हम देखते हैं कि एग्जामिनर कहां कहां कैसे कैसे हमें कंफ्यूज कर सकता है. ठीक है, अब एक हार्ट बीट में एक बार लप साउंड आएगा, एक बार डप साउंड आएगा. ठीक है, यदि मान लीजिए हमारा हार्ट बीट 72 है, मतलब कि हमारा हार्ट बीट जो हार्ट जो है एक मिनट में 72 बार बीट करता है, तो हमें कितनी बार, एक मिनट में कितनी बार लप साउंड सुनाई देगा, 72 बार, और डप साउंड कितनी बार सुनाई देगा, 72 बार. ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया ना. तो ये जो दो साउंड होते हैं लप और डप, ये क्लियर हो गए. तो हमारे हार्ट के प्रोडोमिनेंट साउंड कितने, टू. पहला लप, ये किसकी वजह से आया, ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ AV वाल्व. और दूसरा साउंड हमारा H2 वाला साउंड कौन सा है, डप. ये किसकी वजह से आया, ये आया ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व. ठीक है, ये दो तरह के हार्ट के साउंड हो गए. साउंड सुनने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया हमने,
स्टेटोस्कोप का यूज किया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं, कई बार हमारा हार्ट जो है, मान लीजिए वाल्व प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, उस समय हमको इस तरह का जो नॉर्मल जो साउंड होता है, इसके बीच बीच में एक एक्स्ट्रा अलग टाइप का साउंड और सुनाई देता है, ठीक है। तो वो साउंड जो होता है, बेसिकली इस तरह के साउंड को हम मर्मर के नाम से जानते हैं। इस तरह का जो साउंड होगा, इसे हम मर्मर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक तरह का हार्ड साउंड और है, ये साउंड कौन सा है, मर्मर। अब मर्मर साउंड जो होता है बच्चों, ये कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। तो हार्ट में वाल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहे, तो एक बीच में एक डिस्टरबेंस टाइप का साउंड जो है बीच में सुनाई देता है, ठीक है। तो ऐसी आवाज नहीं आती कि मर्मर मर्मर आवाज सुनाई दे रही हो, ऐसा नहीं होता। बीच बीच में क्या होता है कि लब डब साउंड हम सुन रहे हैं, और बीच बीच में हमको बीच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अलग सी आवाजें सुनाई देती हैं, ठीक है। उन सबको कलेक्टिवली हम किसके नाम से जानते हैं, मर्मर के नाम से जानते हैं। तो मर्मर जो साउंड है एक्चुअली ये क्या है, ये लव और डब के बीच में आने वाला साउंड है, ठीक है। तो मर्मर जो है एक बीच में सुनाई देता है कई बार, यदि कोई हार्ट की एबनॉर्मेलिटी है तो। ये एक्चुअली क्या है, इट इज क्लिकिंग रशिंग और गर्लिंग नॉइज है, जो बीच बीच में लब डब के बीच बीच में आपको सुनाई देगा। कब सुनाई देगा, यदि किसी पर्सन को बाल्ब से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो, अदरवाइज आपको सुनने को नहीं मिलेगा ये साउंड, ठीक है। तो इट इज एबनॉर्मल साउंड है, इट इज एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू द लीकेज ऑफ द वाल्व। ये क्यों प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द लीकेज ऑफ द वाल्व। वाल्व में यदि कोई लीकेज है, वाल्व में ही हमारे इनमें कोई लीकेज है, प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें इस तरह का साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यदि हम बच्चों की हार्ट बीट को देखें, बच्चों की साउंड को सुने, तो जो न्यूली बॉर्न जो चाइल्ड होते हैं, उनके बच्चों की जो साउंड होता है, उनके बीच में आपको एक अलग टाइप का मर्मर साउंड सुनाई देता है, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन होती है। तो इस तरह का जो मर्मर साउंड जो कि आपको न्यूली बॉर्न चाइल्ड के अंदर सुनाई देता है, वो नॉर्मल फिनोमिना है, और इस तरह के साउंड को हम इनोसेंट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, इनोसेंट, या इसे हम या तो इनोसेंट के नाम से जानते हैं, या इसे हम जो है फंक्शनल हार्ट मर्मर के नाम से जाना जाता है। इसे हम इनोसेंट या फिर इसे हम फंक्शनल हार्ट मर्मर के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि कंपेरेटली स्टडी करते हैं लव साउंड और डब साउंड के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या वेरिएशन है, उनको लेके हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जिसे देख लेते हैं, लव साउंड और डब साउंड के बीच में। ठीक है, अब हम इनके बीच में कंपेयर देखते हैं, कंपेरिजन करते हैं। लव साउंड क्यों आएगा, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ एवी वाल्व। डब साउंड क्यों आएगा, ये प्रोड्यूस होगा क्लोजिंग ऑफ सेमीलिब्रल वाल्व। तो लव साउंड क्यों आ रहा है, ये आ रहा है क्लोजिंग ऑफ एवी वाल्व की वजह से।
अब डब साउंड क्यों आ रहा है? ये आ रहा है हमारा क्लोजिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व की वजह से। अब ये सेमी ल्यूनर वॉल्व कहां प्रेजेंट है? सेमी ल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं हमारे, एक तो पल्मोनरी ट्रंक जहां से की जो स्टार्टिंग है वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये सेमी ल्यूनर वॉल्व आपको दिखाई देंगे, जो एओर्टा की ओपनिंग है वहां पर आपको दिखाई देंगे। तो यहां पर आपको ये साउंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। लव साउंड जो होता है ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड है, और डब साउंड जो होता है वो कंप्लीटली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया ना? अच्छा, ये कब आएगा? ये लव साउंड आपको सुनाई देगा कब? ये आपको सुनाई देगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल की स्टार्टिंग में। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की स्टार्टिंग में क्या होता है कि एबी वॉल्व बंद होते हैं, उस समय आपको लव साउंड दिखाई देगा। डब कब सुनाई देगा? ये सुनाई देगा आपको एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड होगा तो उस समय क्या होना है? उस समय ब्लड पूरा का पूरा आर्टेरिया में ट्रांसफर हो जाना है और पल्मोनरी ट्रंक में ट्रांसफर हो जाना है। तो उस समय आपको ये वाला साउंड जो है सुनाई देगा, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है और ये आपका लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। तो इनके बीच में ये थोड़ी सी डिफरेंस है। कभी कभी इनमें से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो हमने डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के ऊपर बात करेंगे, और उसके साथ साथ हम जो है ब्लड वेसल्स के ऊपर अब डिस्कस करना चालू करते हैं, ठीक है। तो ये हार्ट साउंड क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ये ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? याद कीजिए, जब हमने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाना चालू किया था तो हमने क्या बोला था कि कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम हो, किसी भी सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको मेनली तीन स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे? सर्कुलेटरी फ्लूइड, पंपिंग ऑर्गन एंड सर्कुलेटरी वेसल्स। तो ये तीन स्ट्रक्चर से मिलकर किसी भी एनिमल के सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो अभी तक के हमने जितने भी डिस्क्रिप्शंस हैं उनमें हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया है, हमने हार्ट के बारे में पढ़ लिया है। तो अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है। तो ब्लड वेसल एक्चुअली सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये आती है कि ब्लड वेसल्स किसको बोलते हैं? देखिए, ह्यूमन के अंदर, मैमल्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब कि ब्लड कंटिन्यूअस फ्लो इन ब्लड वेसल्स, ब्लड नॉट कम आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, ब्लड कंटिन्यूअस ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है, ब्लड कभी भी ब्लड वेसल्स से बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। तो इस तरह का जो सर्कुलेशन है ये कौन सा सर्कुलेशन है? ये हमारा क्लोज सर्कुलेशन है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि क्लोज सर्कुलेशन क्या है, ठीक है। अब इसमें जहां पर इस सर्कुलेशन में वो पाइपलाइन जिसमें कि हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, उस पाइपलाइन को हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल एक्चुअली क्या हो गया? यह एक तरह की होलो मस्क्यूलर ट्यूब हो गई जिनके अंदर क्या हो रहा है? ब्लड का फ्लो हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम ब्लड वेसल्स बोलेंगे। तो इट इज द क्लोज ट्यूब इन विच द ब्लड आर फ्लोज, ठीक है। मोर करेक्टली हम यहां ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज द होलो मस्क्यूलर ट्यूब इन विच द ब्लड आर फ्लोज, ऐसा हम बोल सकते हैं और ज्यादा इसको करेक्टली बात करें तो। अब देखिए, हमारे साइंस की एक ब्रांच है जिसमें कि ब्लड वेसल्स का स्टडी किया जाता है। तो स्टडी ऑफ द ब्लड कैपिलरी या फिर ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरी का जो स्टडी होता है उसे हम एंजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि एंजियोन करके एक वर्ड होता है, एक ग्रीक वर्ड है ये एंजियोन। एंजियोन जो वर्ड है इसका मतलब होता है वेसल्स,
और लॉगस का मतलब क्या होता है स्टडी, लॉगस का मतलब क्या होता है, लॉगस जो वर्ड है सॉरी इस वर्ड का मतलब क्या होता है स्टडी। तो एंजियर मतलब वेसल्स, लॉगस मतलब स्टडी, मतलब कि स्टडी ऑफ वेसल्स मतलब एंजियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ ब्लड कैपिलरी, मोर करेक्टली द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स इज नोन एज एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी के फादर उसी को बोला जाता है जिसे फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है, मतलब कौन, विलियम हार्वे। ठीक है, तो इन्हें हम फादर ऑफ एंजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये क्लियर हो गया। अब ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं, तो हम यदि रफली बात करें, मोटे तौर पे बात करें, हम अपने नीट लेवल पे बात करें, तो ब्लड वेसल्स बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। पर थोड़ा सा हम इलोबरेट करके डिस्कस करें तो हम क्या देखेंगे कि ब्लड वेसल्स पांच टाइप के होते हैं। कौन कौन से? अब देखिए, पहला है आर्टरीज, ये हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट पर ब्लड कैरी करते हैं। आर्टरीज बहुत ही छोटी 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 आर्टरियोल में डिवाइड हो जाते हैं, जो कि बॉडी के टिश्यू के अंदर ब्लड लेके जाती है। बॉडी के टिश्यू के अंदर पहुंचने के बाद यह कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, जो कि बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइन ट्यूब होती हैं। उनसे फिर कलेक्टिव ट्यूब तैयार होती है, जो ब्लड को कलेक्ट करके लेती आती है हार्ट की तरफ। तो छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर्स है जो टिश्यू के अंदर इम्बेडेड है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, वेन्यूल्स। और वेन्यूल्स जब आपस में इंटीग्रेट होंगी तो किसका फॉर्मेशन करेंगी, ये वेन्स का। और ये वेन्स जो होती है ये ब्लड को हार्ट में लेके आती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये सारे स्ट्रक्चर इतने टाइप के जो है हमको ब्लड वेसल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? आर्टरी, आर्टरियोल, कैपिलरी, वेन्यूल और वेन। रफली बात करें, मोटे तौर पे बात करें तो तीन। कौन कौन से? आर्टरी, कैपिलरीज एंड वेन्स। रफली पूछा जाए तो तीन टाइप, थोड़ा सा इलोबरेट करके बोला जाए तो कितने टाइप? पांच टाइप हो गए। ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी, इनका स्ट्रक्चर किस तरह का है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ ब्लड वेसल्स। तो देखिए, आर्टरी के स्ट्रक्चर हो या वेन्स का स्ट्रक्चर हो, दोनों का स्ट्रक्चर लगभग लगभग सेम ही होता है। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी मतलब कि हमको इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है कि कौन कौन से लेयर्स प्रेजेंट है आर्टरी में और वेन्स के अंदर। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक आर्टरी का डायग्राम बना लेते हैं, एक वेन्स का डायग्राम बना लेते हैं, उनमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये मैंने एक आर्टरी का डायग्राम बनाया, और ये मैंने एक वेन का डायग्राम, तो मैंने एक आर्टरी का डायग्राम बना दिया और एक मैंने वेन का डायग्राम बना दिया। तो ये इनका मैंने एक आउटर लेयर बनाया है जो कि रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया है, तो देखिए इनका जो आउटर लेयर होता है, तो ब्लड वेसल्स का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या बोलेंगे इसे हम? ट्यूनिका एक्सटर्ना के नाम से जानते हैं। तो जो सबसे आउटर साइड का जो लेयर है ये कौन सा हो गया, इसको मैंने नाम दे रहा हूं, ये क्या है, ये आर्टरी है और ये हमारी वेन है। ठीक है, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है? ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो हिस्टोलॉजिकली हम क्या देखते हैं कि आर्टरी हो या वेन हो, इसमें तीन लेयर्स से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो आर्टरी एंड वेन बोथ आर मेड बाय थ्री टाइप ऑफ लेयर्स। हिस्टोलॉजिकली जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, मतलब कौन कौन,
आर्टरी एंड जो वेन्स हैं मेड बाय थ्री लेयर। ये कितने लेयर से मिलकर बने होते हैं? तीन लेयर से बने होते हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो कौन सा है? ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है? तो यहां पर जो आउटर लेयर है वो है ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो आउटर मोस्ट लेयर इज द ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना मेड बाय द व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। और व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि क्या हो गया? कोलेजन फाइबर हो गया। तो ये व्हाइट फाइबरस टिश्यू का बना होता है या फिर ये कोलेजन फाइबर का बना होता है? कौन? ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, तो ट्यूनिका एक्सटर्ना मेड बाय व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, या ऐसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेड बाय कोलेजन फाइबर अब स्टूडेंट देखिए, ये जो कोलेजन फाइबर है ये व्हाइट फाइबर है। अब व्हाइट फाइबर हमने जब टिश्यू पढ़ाया था तब डिस्कस किया था कि व्हाइट फाइबर रिजिड होते हैं कि फ्लेक्सिबल होते हैं। ये जनरली रिजिड होते हैं, ये किसी भी स्ट्रक्चर को मजबूती प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होगा वो बेसिकली क्या करेगा? इन ब्लड कैपिलरी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, मजबूती प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा कौन सा लेयर? अब आता है हमारा मिडिल लेयर, जिसे हम ट्यूनिका मीडिया के नाम से जानते हैं। तो बीच वाला लेयर कौन सा हो गया इनका? मिडिल लेयर हो गया। तो मिडिल लेयर को हम बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया। अब ये जो है ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर, मैं ब्लू कलर से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये हमारा मिडिल लेयर है। देखो जो ब्लू कलर से मैंने जो रिप्रेजेंट किया हुआ है ये क्या है? हमारा मिडिल लेयर। तो जो मिडिल लेयर है वो कौन सा हो गया? ब्लड कैपिलरी का जो मिडिल लेयर, जो मिडिल लेयर कौन सा है? तो मिडिल लेयर हमारा कौन सा है? ट्यूनिका मीडिया। तो मिडिल लेयर कौन सा है? ट्यूनिका मीडिया। अब ट्यूनिका मीडिया किससे मिलकर बना होता है? तो ट्यूनिका मीडिया में मसल्स देखने को मिलते हैं। कौन से मसल देखने को मिलेंगे यहां पर? स्मूथ मसल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको स्मूथ मसल्स और आपको इलास्टिन फाइबर देखने को मिलेंगे। तो दिस लेयर मेड बाय ठीक है। तो ये जो लेयर है ट्यूनिका मीडिया वाला जो लेयर है, तो ट्यूनिका मीडिया लेयर किसके थ्रू बना है? इट मेड बाय द स्मूथ मसल। स्मूथ मसल कैसा? वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री? ये हमारा इनवॉलेंट्री मसल्स है ना। तो मिडिल लेयर मेड बाय द स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिन फाइबर, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात और है। जैसे आप आर्टरी में देखेंगे तो आपको मिडिल लेयर काफी थिक दिखाई देगा, और आप वेन्स में देखेंगे तो आपको इसका जो मिडिल लेयर है वो कंप्लीटली थिन दिखाई देगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना दोनों के बीच में कि यहां पर क्या है? कि आर्टरी के अंदर ये थिक है, ट्यूनिका मीडिया वाला लेयर काफी ज्यादा थिक है, जबकि वेन्स के अंदर यदि आप देखेंगे तो आपको ये कैसा दिखाई देगा? एक देखो वेन्स के अंदर आपको कैसा दिख रहा है? ये मिडिल लेयर,
वेंस में आपको थिन दिख रहा है, जबकि आप देखिए आर्टरी में कैसा दिख रहा है, आपको आर्टरी के अंदर ये आपको थिक दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया ना? रीजन भी है उसका, क्या रीजन है? रीजन ये है कि आर्टरी में ब्लड फोर्स के साथ फ्लो होता है, वेंट्रिकल कॉन्टेक्ट हुआ, सडनली ब्लड जो है आर्टरी में चला गया, तो ठीक है। और आप देखते हैं कि जब सिस्टोल होगा तो बहुत फोर्स के साथ ब्लड जाएगा, डायस्टोल में थोड़ा सा ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। तो आर्टरी की दीवार जो है, वॉल जो है, काफी मजबूत होना चाहिए एज कंपेयर टू वेंस। समझ में आ गया ना? तो इसलिए आप देखेंगे इसमें ये काफी थिक है और मजबूत है, जबकि वेंस में ये थिन है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? ट्यूनी का इंटेमा लेयर। थर्ड लेयर कौन सा हो गया? ट्यूनी का इंटेमा लेयर, ठीक है। तो आउटर लेयर ट्यूनी का एक्सटर्नल, मिडिल लेयर ट्यूनी का मीडिया। अब उसके बाद हम बात करेंगे सबसे अंदर वाला लेयर। तो नेक्स्ट लेयर है थर्ड लेयर, जो कि इनर मोस्ट लेयर है, इनर लेयर है, इनर लेयर कौन सा है हमारा? ट्यूनी का। देखिए हमारा ये जो लेयर है, अंदर का जो लेयर है, इसे ट्यूनिका इंटेमा भी बोलते हैं और इसे ट्यूनिका इंटरना के नाम से भी जानते हैं। तो ये लेयर कौन सा हो गया? ये लेयर हो गया हमारा ट्यूनिका इंटेमा, या इसको हम बोल सकते हैं ट्यूनिका इंटरना। तो ट्यूनिका इंटेमा या फिर इसको हमने क्या बोला? ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। तो ये जो हमने लेयर डिस्कस की है, ये आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। तो ट्यूनिका इंटेमा या ट्यूनिका इंटरना, ये सबसे अंदर का लेयर है। अब ये लेयर किससे बना होता है? देखिए ये लेयर जो होता है, ये सबसे अंदर का लेयर है, जिसे एंडोथेलियम लेयर के नाम से भी जानते हैं। और दिस लेयर मेड बाय द स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। किससे मिलके बनाए हैं? स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। तो अब देखिए हम अंदर का लेयर ड्रॉ करते हैं। ये अंदर का लेयर, ये ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ किया है इस लेयर को। यहां पर भी देखिए ये ट्यूनिका, ये अंदर का लेयर, ये बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच में ट्यूनिका मीडिया, और अंदर वाला ट्यूनिका इंटीमा। या ट्यूनिका इंटरना। तो ट्यूनिका इंटीमा या इंटरना जो होता है, यह किससे बना होता है? यह जो लेयर होता है मेड बाय स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ये किससे मिलकर बना है? स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। और इस लेयर को हम एंडोथेलियम लेयर के नाम से भी जानते हैं। लेयर कौन सा है? ये हमारा एंडोथेलियम लेयर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इनर लेयर हो गया ब्लड कैपिलरी का। अब हम बात करें, सॉरी, ये ब्लड वेसल्स का इंटरनल लेयर हो गया। यदि हम बात करें कैपिलरी के बारे में, तो हमने क्या देखा था कि पांच टाइप की ब्लड वेसल्स थी। आर्टरी जो हार्ट से बाहर निकलती है, इनमें ब्लड जाता है। जब ब्लड हमारे टिश्यू में पहुंचता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये आर्टरीज किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? आर्टरियोल में कन्वर्ट हो जाती हैं। आर्टरियोल फाइनली टिश्यू के अंदर पहुंचकर बहुत ही बारीक बारीक, बहुत ही छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी के नाम से जानते हैं। तो कैपिलरी
के अंदर कैपिलरी सबसे फाइनेस्ट ट्यूब है, सबसे बारीक ट्यूब होती है कैपिलरी, सबसे थिनेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है। तो इनके अंदर आपको केवल आपको ट्यूनी का इंटरनल लेयर दिखाई देगा या आपको एंडोथीलियम लेयर दिखाई देगा, किसके अंदर? ब्लड कैपिलरी के अंदर, ठीक है। जबकि हमारी आर्टरीज में, वेन्स में, आर्टरियोल्स में, वेन्यूल्स में आपको ये लेयर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इट बिकम क्लियर? ठीक। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, ये तीन लेयर हो गए, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीना। इंटीना कई बार कोलेस्ट्रॉल की वजह से, फैट की वजह से हम क्या देखते हैं कि ये जो सब्सटेंस है कोलेस्ट्रॉल का जो डिपोजिशन होता है वो कहां होता है? इस ट्यूनिका लेयर में होना चालू हो जाता है। अब इसके अंदर का ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो हॉलो पोर्शन दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम ल्यूमेन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम ल्यूमेन के नाम से जानते हैं। तो ल्यूमेन, जरा जरा ध्यान से देखिए डायग्राम को, ल्यूमेन आपको किसमें बड़ा दिख रहा है? आर्टरीज में बड़ा दिख रहा है कि वेंस में बड़ा दिख रहा है आपको? ल्यूमेन, ल्यूमेन वेंस में बड़ा होता है, आर्टरी में बड़ा नहीं होता, आर्टरी में छोटा होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि वेंस जो होते हैं इनके अंदर आपको वाल्व देखने को मिलेंगे छोटे छोटे। एक्चुअली यहाँ ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे आपको वाल्व दिखाई देते हैं जो कि ब्लड का बैक फ्लो होने से रोकते हैं, ठीक है। जबकि आप आर्टरी के अंदर देखेंगे ना, तो यहाँ पर ल्यूमेन में आपको किसी तरह का कोई भी वाल्व देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, आर्टरी के स्ट्रक्चर देख लिया, वेन का स्ट्रक्चर देख लिया, हमने क्या देखा कि हिस्टोलॉजिकली दोनों सेम है, दोनों में तीन तरह के लेयर प्रेजेंट है, आर्टरी हो या वेन्स हो। कौन कौन से? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीना, ठीक है। पर इनमें फिर डिफरेंस क्या है, आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस क्या है, हम थोड़ा इनके डिफरेंस को लेके एक चार्ट तैयार कर लेते हैं, ठीक है। आर्टरी और वेन, इनको लेके हम एक कंपेयर स्टडी कर लेते हैं जिससे कि हमारे जो कंसेप्ट है वो काफी क्लियर हो जाएंगे। आर्टरी को जरा देखिए, आर्टरी जो होते हैं वो ब्लड का फ्लो किधर से किधर करते हैं? ये हार्ट से बॉडी में ब्लड का फ्लो करते हैं। वेन्स क्या करते हैं? वेन्स बॉडी से ब्लड को किधर ट्रांसफर करते हैं? ये हार्ट की तरफ ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होता है? इनमें जनरली ये प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है इसमें आर्टरी के अंदर। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसमें फ्लो होता है, पर इसका एक एक्सेप्शन है। कौन सा? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी जो आर्टरी है उसमें हम क्या देखते हैं, उसके अंदर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो आर्टरी में जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, जबकि हमारे पल्मोनरी जो आर्टरी है उसमें क्या, कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है? उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। वेन्स में जनरली कौन सा ब्लड फ्लो होता है? इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। और इसका भी एक एक्सेप्शन है, वो कौन सा है? पल्मोनरी वेन, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है। देखिए पल्मोनरी वेन कहां से ब्लड लेके आ रही है? लंग से ब्लड लेके आ रही है, तो उसमें कौन सा ब्लड फ्लो होगा?
लंग्स में जाके ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो रहा है ना, और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कौन आ रहा है हार्ट के पास, पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी वेन जो है हार्ट से ब्लड, सॉरी लंग से ब्लड हार्ट में लेके आ रही है ना, तो इसमें प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा किसमें, वेन्स के अंदर। जबकि आर्टरी में आप क्या देखते हो, आर्टरी की बात करें तो आर्टरी में जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, बट उसका एक्सेप्शन क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या कर रही है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स पे ले जाने का काम कर रही है, तो वहां पर आप देखेंगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में, जबकि ऑर्डिनरी जो आर्टरी होती है उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब उसके बाद आर्टरी जो होती है ये मोर इलास्टिक होती है, और ये लेस इलास्टिक होती है। वेंस कैसी होती हैं, लेस इलास्टिक होती है। उसके बाद आर्टरी जो होती है वो बॉडी में काफी गहराई में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन डेप्थ इन द बॉडी, जबकि वेंस जो होती है ये सरफेस पे होती हैं। तो आप अपने हाथ को देखिए तो यहाँ पे आपको ब्लू ग्रीन कलर के आपको जो है वेंस दिखाई देंगे ना, ये क्या है, वेंस है जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से ब्लड लेके हार्ट में तब जा रही हैं, ठीक है। ये वेंस आर्टरी का प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन डेप्थ में प्रेजेंट होती है, और ये कहां प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑन सरफेस। वेंस जनरली सरफेस पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब और भी डिफरेंस देखते हैं, आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन यहां पर स्मॉल होता है, जबकि आप देखेंगे वेंस में जो ल्यूमेन है वो क्या होगा, कंपेरेटिवली लार्ज होगा। तो आर्टरी में ल्यूमेन कैसा है, स्मॉल है, और वेंस में ल्यूमेन कैसा है, कंपेरेटिवली लार्ज है। आर्टरी में आप क्या देखेंगे कि यहां पर जो ट्यूनी का मीडिया होता है वो कैसा होता है, थिक होता है, और यहां पर ट्यूनी का मीडिया जो है आपको कैसे दिखाई देगा, यहां पर थिन दिखाई देगा वेंस में। तो आर्टरी के अंदर क्या दिखाई देता है आपको, ट्यूनी का मीडिया थिक, और वेंस के अंदर ट्यूनी का मीडिया थिन दिखाई देगा। उसके बाद और भी डिफरेंस देखिए, यहां पर आप देखेंगे, हाँ तो स्टूडेंट्स हमने आर्टरी में क्या देखा था कि ट्यूनी का मीडिया थिक होता है, जबकि वेंस के अंदर क्या होता है, ट्यूनी का जो मीडिया होता है वो थिन होता है। डायग्राम में देखिए यहां पे ट्यूनी का मीडिया थिक है और यहां ट्यूनी का मीडिया थिन है, ठीक है। उसके बाद आर्टरी के अंदर यदि हम ब्लड के फ्लो के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो यहां पर ब्लड का फ्लो विद प्रेशर होता है, ठीक है, मतलब यहां पर जो ब्लड का प्रेशर होता है आर्टरीज के अंदर वो तो ज्यादा होता है, ठीक है। यहां पर प्रेशर जो होता है वेंस के अंदर वो काफी ज्यादा लो होता है, ठीक है। उसके बाद आर्टरी में वाल अब्सेंट होते हैं, वेंस के अंदर वाल प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पर आर्टरी में वाल क्यों अब्सेंट है, आर्टरी में ब्लड काफी प्रेशर से फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर तो बैक फ्लो की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, जबकि वेंस में बॉडी के नीचे से ब्लड को लेके ऊपर आ रही है, ठीक है, तो इनमें ब्लड का प्रेशर भी बहुत कम है, तो इनमें बैक फ्लो की पॉसिबिलिटी होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको वेंस के अंदर छोटे छोटे जो इस तरह के वाल्व देखने को मिलते हैं, जैसे मान लीजिए वेंस है,
और ब्लड का फ्लो इधर से इधर हो रहा है तो आपको कुछ इस तरह के वाल्व देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इन वाल्व क्या होगा, ब्लड इधर से इधर तो जा सकता है ना इस वाल्व में से, तो ब्लड का बैक फ्लो पॉसिबल है क्या? नहीं। ठीक है, तो इस तरह के जो वाल्व जो हमारे वेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं इन वाल्व को हम जो है सेमी ल्यूनर वाल्व के नाम से जानते हैं। आप याद रखिए जो एओर्टा में जो इनिशियल जो वाल्व था उसको भी हमने सेमी ल्यूनर वाल्व बोला था, और जो पल्मोनरी ट्रंक में भी जो जहां से वो स्टार्ट हो रहा है वहां पर जो वाल्व था उसको भी हमने सेमी ल्यूनर वाल्व बोला था। ठीक है, तो आर्टरी में वाल्व अब्सेंट होते हैं, वेंस में वाल्व प्रेजेंट होते हैं। इफ वी डिस्कस अबाउट द कलर ऑफ द आर्टरी एंड वेन, तो आर्टरी जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं क्योंकि इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। वेंस कैसे होते हैं, ये हमारे ग्रीन ब्लू कलर के होते हैं क्योंकि इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो आर्टरी का कलर कैसा होगा, रेड होगा, और वेंस का कलर कैसा होगा, इनका ग्रीन ब्लू ब्लूश ग्रीन कलर जो है देखने को मिलता है। ठीक है, एट अ टाइम आर्टरी में पूरे ब्लड का, पूरे ह्यूमन बॉडी के जो ब्लड का ओनली 40% पोर्शन देखने को मिलता है। तो एट ए टाइम यहाँ पर पूरे ब्लड का कितना पोर्शन देखने को मिलेगा, ओनली 40%, जबकि यहाँ पर पूरे ब्लड का आपको 65% आपको वेंस में देखने को मिलेगा। आर्टरी में ब्लड काफी स्पीड से फ्लो होता है, वेंस में ब्लड कंप्लीटली स्लो स्पीड से फ्लो होता है। तो आर्टरी और वेन के बीच में क्या डिफरेंस है, इट बिकम क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब इसके बाद अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कैपिलरीज के बारे में। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये हमारी लार्ज आर्टरी है, आर्टरी इसमें डिवाइड हो जाती है, ये डिवाइड हो जाएंगे स्मॉल, जब बॉडी टिश्यू के पास में जाएंगी ये स्मॉल आर्टरी होल्स में डिवाइड हो जाएंगे। ये आर्टरी होल्स किसमें डिवाइड हो जाती है, ये डिवाइड हो जाती है कैपिलरी में। ये किसमें डिवाइड हो जाती हैं, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। कैपिलरी से जो ब्लड को कलेक्ट करके वापस बॉडी की तरफ लाने का जो काम होता है वो किसके थ्रू किया जाता है, वो किया जाता है वेंस के थ्रू। तो आप देखिए ये क्या है, ये है आर्टरी, ये क्या है, ये है ये आर्टरी होल्स है, ये क्या है, ये है कैपिलरी, ये क्या है, ये वेन्यूल्स है, और ये क्या है, ये वेन है। ठीक है, हार्ट से ब्लड किसमें आया, आर्टरी में आया। आर्टरी में आपको तीन लेयर देखने को मिलेंगे, ट्यूनिका एक्सटर्नल, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। उसके बाद आप देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा है, कैपिलरी। कैपिलरी वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पर केवल आपको एक ही लेयर देखने को मिलता है, वो कौन सा, ट्यूनिका इंटीमा या एंडोथेलियम लेयर। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो हमारा ट्यूनिका इंटीमा है जिसमें एक्चुअली दो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, एक तो स्क्वामस एपिथेलिया का लेयर देखने को मिलता है जिसे हम एंडोथेलियम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको कुछ इलास्टिन फाइबर्स देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से इसके अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो पर ये जो वेंस हैं, सॉरी कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरी बहुत ही थिन होती है और वास्तव में यहाँ पर ही गैसेस एक्सचेंज होता है, मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है बॉडी टिश्यू और सर्कुलेटरी फ्लूइड के बीच में,
वो कहाँ होता है, इन कैपिलरीज के अंदर ही होता है। कैपिलरीज की जो डिस्कवरी है वो मार्सेलो मेलपेगी ने की थी, ठीक है। तो कैपिलरी में हमने क्या देखा, कैपिलरी आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स। तो कैपिलरी फॉर्मेड बाय द डिवीजन एंड रीडिवीजन ऑफ आर्टरियोल्स। उसके बाद द वॉल ऑफ द कैपिलरी मेड बाय द स्क्वामस एपिथेलियम और एंडोथेलियम, ये हमने देखा। एंड दीज आर परमिएबल एंड हेंस द गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल ऑकर एट द कैपिलरी, ठीक है। इट बिकम क्लियर, कैपिलरी इंट्रीगेट इन फॉर्म ऑफ वेन्यूज। तो कैपिलरी इंट्रीगेट होकर क्या बनाती है, वेन्यूज बनाती है, और वेन्यूज इंट्रीगेट होकर क्या बनाती है, ये वेन्स का फॉर्मेशन करती है। तो मुझे लगता है कि बॉडी के अंदर का जो ब्लड वेसल्स है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना सफिशिएंट। थैंक यू।